आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है स्टीम्ड कोफ्ता करी। लौकी के कोफ्ता हम बना रहे हैं। आज हम जो कोफ्ता बना रहे हैं उसे हम फ्राई नहीं कर रहे हैं, यानी कोफ्ता मोस्टली होता है डीप फ्राई होते हैं तेल में, लेकिन हम स्टीम करके कोफ्ता तैयार कर रहे हैं फिर उसकी कोफ्ता करी। तो चलिए बनाते हैं स्टीम्ड कोफ्ता करी। तो सबसे पहले हमें लौकी के कोफ्ते बनाने हैं, हम स्टीम कोफ्ता बना रहे हैं। उसके लिए मैंने लौकी को ग्रेट कर लिया है, यानी कद्दूकस कर लिया है, और हल्का सा स्लाइटली इसका मैंने जो जूस था वो स्क्वीज कर दिया, हल्का सा दबा के निचोड़ दिया, लेकिन उसको भी फेंका नहीं है, रख लिया है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसी जूस को हम यूज़ करेंगे डो के लिए अपने। तो इसे मैं ले रही हूँ बाउल में। ये एक पाव लौकी है मेरे पास, मैंने बीज वाला पार्ट निकाल दिया, वो नहीं ले रही हूँ, आप चाहें तो ले सकते हैं। और इसमें 1 टेबल स्पून में डाली हूँ गेहूँ का आटा, थोड़ा सा इसकी बाइंडिंग के लिए, क्योंकि हम उसे स्टीम कर रहे हैं, फ्राई नहीं कर रहे हैं। और बेसन हमें जितना लगेगा उतना डालेंगे, थोड़ा सा भी डाल रही हूँ। और ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। 1/2 टीस्पून मैंने लिया गरम मसाला, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन लिया जिसे हाथ से क्रश कर लिया, 1/2 टीस्पून मैं ले रही हूँ आमचूर पाउडर। अगर आप आमचूर पाउडर नहीं डाल रहे हैं तो 1/2 नींबू या पूरा 1 नींबू का रस आप डाल लें, लेमन जूस। और 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून हल्दी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और जस्ट 1 पिंच के आसपास मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा। और मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून, आप गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। और अब हम अपने मिक्सचर को मिक्स कर लेते हैं, अब से हाथ से भी कर लें, हाथ से थोड़ा और अच्छे से हो जाता है, तो स्पैचुला से। थोड़ा सा मुझे बेसन लग रहा है और इसमें डलेगा, यानी एक पाव लौकी थी हमारी, 5 चम्मच इसमें 5 टेबल स्पून बेसन के लग गए हैं, और 1 टेबल स्पून गेहूं का आटा मैंने डाला है, आप चाहें तो मैदा भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज कर सकते हैं, मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। तो हमारी कोफ्ताज के लिए मिक्सचर रेडी है, हम इसे 2-4 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। हमें इसमें जूस डालने की जरूरत नहीं पड़ी है, काफी मॉइस्चर था उसमें। और अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं ना स्टीम करने की। तो अपने कोफ्ता स्टीम करने के लिए मैंने गैस को ऑन करके इस पर कढ़ाई रख दी है, आप कोई भी पतीला भी ले सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 गिलास पानी, इसे गर्म होने देते हैं। तो अपने कोफ्ताज को हम जो स्टीम कर रहे हैं मैं इस जाली का यूज कर रही हूँ, इसे ग्रीस कर लेना, आप किसी भी टाइप की जाली ले सकते हैं, कोई बाउल में हो ऐसी जाली भरी हुई, या फिर ये थाली जैसा कुछ हो, बर्तन या प्रात जैसा, किसी भी घी से या ऑयल से आप इसे ग्रीस कर सकते हैं, ताकि हमारे कोफ्ता जिसमें चिपके ना, हम स्टीम कर रहे हैं ना। तो हम ऐसे थोड़ा सा मिक्सचर लेके हम इसे थोड़ी शेप दे रहे हैं गोल सी, आप इसी तरह से भी रख सकते हैं उठा उठा के, ये मैं इसे थोड़ा सा गोल शेप दे रही हूँ। तो बस हम इसे इसी जाली में रखते रहेंगे, और हमारे सारे कोफ्ता बन गए हैं, और ये हमने जाली में सारे रख लिए हैं। अब इन्हें सेट करते हैं हम कढ़ाई में, जिसमें हमने पानी रखा गर्म होने के लिए। तो पानी हमारा बॉईल हो रहा है, गैस को करते हैं थोड़ा सा कम, ध्यान से, हाथ भी जल सकते हैं। अब इसे भी हम ढक देते हैं और गैस को करते हैं मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे कि हमारे कोफ्ता स्टीम हो गए या नहीं। तो कोफ्तों को स्टीम होते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं, लग तो रहा है थोड़ा सा फूल चुके हैं एक टूथपिक लेके। अभी थोड़ा सा कच्चे हैं अंदर से, 3-4 मिनट के लिए और स्टीम होने देते हैं। तो हमारे कोफ्ते को फिर से हो गए हैं 4-5 मिनट, गैस को सिम करके हम चेक कर लेते हैं। तो सभी में टूथपिक एकदम क्लियर आ रहा है, तो हमारे कोफ्ता हो चुके हैं, हम गैस को करते हैं ऑफ और आगे की तैयारी करते हैं। तो
अभी हम अपने कोफ्ताज को छोंक लगाएंगे। उसके लिए मैंने कढ़ाई गर्म होने रख ली है और उसमें मैंने डाला है 3-4 चम्मच देसी घी टेबल स्पून। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं लेकिन मैं देसी घी में बना रही हूँ। तो घी हमारा गर्म हो गया, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा और ये तेज पत्ता, और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 3 बड़े प्याज कटे हुए बारीक। तो अभी हम अपने कोफ्ताज को छोंक लगाएंगे। उसके लिए मैंने कढ़ाई गर्म होने रख ली है और उसमें मैंने डाला है 3-4 चम्मच देसी घी टेबल स्पून। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं लेकिन मैं देसी घी में बना रही हूँ। तो घी हमारा गर्म हो गया, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा और ये तेज पत्ता, और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 3 बड़े प्याज कटे हुए बारीक। प्याज को हम बीच में रेगुलर चला रहे हैं, इसके साथ में डाल रही हूँ एक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्ची मैंने कम डाली क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल रहे हैं। तो प्याज हमारी थोड़ी सी भुन चुकी है, फ्राई हो गई अच्छी तरह से। इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक का पेस्ट, आप काट के भी डाल सकते हैं। इसे थोड़ी देर स्टर करेंगे 1-2 मिनट। प्याज हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, मैं इसमें डाल रही हूँ ये सूखे मसाले 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक और मिर्च। और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला। इन सबको मिक्स कर लेना और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े टमाटर, इससे मैंने पीस लिया है। काट के डाल लो या फिर ग्रेट करके डाल लो। बस इसे टमाटर को भी हम डाल के चलाते रहना जब तक ये घी छोड़ ना दे, हमने घी डाला है तेल ना छोड़ दे घी, जो भी हम यूज कर रहे हैं। अच्छी तरह से फ्राई कर लेना। टमाटर हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ कसूरी मेथी। और इसी के साथ हम डाल रहे हैं ये जो हमने कोफ्ता अपने स्टीम किए थे, इन्हें भी मसाले के साथ थोड़ा सा शैलो फ्राई हो जाएंगे ये, और सारे जितने भी हमारे घी है मसाले हैं वो इनमें थोड़े थोड़े अब्जॉर्ब हो जाएंगे। 2-3 मिनट के लिए मैंने स्टर करूंगी इसी में। और इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ हरी धनिया। इसे भी साथ में स्टर कर लेना। आप हरी धनिया बाद में भी डाल सकते हैं, मैंने आज साथ में डाल दिया। तो हमारी कोफ्ता को हमने स्टर कर लिया साथ में मसालों के साथ भून लिया है 1.5-2 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें, देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट से कोफ्ता हमारे बन रहे हैं, टेस्ट में कोई फर्क नहीं है। और फ्राई नहीं किया हमने, इसे स्टीम करके बनाया है। और आप छोंक में थोड़ा कम तेल यूज कर सकते हैं, मैंने तो काफी सारा घी डाला है, आप थोड़ा कम रख के भी बना सकते हैं। तो हमारे कोफ्ता हो गए, हम इसमें डाल रहे हैं ग्रेवी, और वो जो हमने लौकी को क्रश करके सॉरी ग्रेट करके स्क्वीज किया था उसका जूस निकला था, वो मैंने जूस संभाल के रखा फेंका नहीं है, वो भी मैं इसमें डाल रहे हैं। और इसी के साथ थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी, जितनी ग्रेवी हमें चाहिए बस उतना ही हमें रखना है पानी, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बस मैं इतना डाल रही हूँ। तो गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के हमने इन्हें बॉईल होने देना है, 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारी सब्जी बन चुकी है, इसे बॉईल होते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं, अच्छी तरह से पक चुके हैं हमारे कोफ्ता। अभी गैस को करते हैं ऑफ और इसे हम थोड़ा सा हरी धनिया स्पीड लगाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारी स्टीम्ड कोफ्ता करी बनके तैयार है, आप इसे पूड़ी के साथ चपाती चावल नान के साथ जैसी मर्जी खाएं या फिर प्लेट में ऐसे डाल के खा
बिल्कुल, इसे अकेले साथ ही इसमें खाएं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी शानदार स्टीम्ड कोफ्ता करी बनके तैयार है। आप इसे नान, पूड़ी, चपाती या चावल के साथ जैसे मर्जी खा सकते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं, स्वाद में कोई फर्क नहीं है, इसका अपना अलग से टेस्ट आता है। बहुत ज्यादा लजीज बनी है ये सब्जी, आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप ये सब्जी बनाएं और खाएं और मजे उड़ाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।